भारत नेपाल की बेटी रोटी वाली संबंधों पर नेपाल सरकार का एक और कुठाराघात। अब भारतीयों को अपने वाहन नेपाल लेकर जाना पड़ेगा महंगा। नेपाल सरकार ने भारतीय वाहनों के नेपाल प्रवेश पर बढ़ाया भंसार शुल्क। नेपाल सरकार ने अपने बजट में भंसार शुल्क बढ़ाने का किया प्रावधान। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीय लोगों को अब अपनी गाड़ी से नेपाल जाना महंगा पड़ेगा। नेपाल सरकार ने इस बार अपने बजट में नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय दो चक्का एवं चार चक्का सहित अन्य गाड़ियों पर भंसार शुल्क बढ़ा दिया है, जिसे सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े नेपाल के माजर एवं जडही बॉर्डर से भारतीय वाहनों को नेपाल जाना अब महंगा हो गया है। नेपाल सरकार ने दो और चार पहिया भारतीय वाहनों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि कर दी है। एक दिन के लिए नेपाल में प्रवेश करने पर दो पहिया वाहन का प्रवेश शुल्क पहले 150 रुपए था, यानी 93.75 पैसे भारतीय, अब नया दर इसे 200 नेपाली रुपए यानी 125 रुपए भारतीय कर दिया गया है। वहीं चार पहिया वाहन ले जाने पर पहले 500 रुपए यानी 312.50 पैसे भारतीय देने पड़ते थे, अब 600 रुपए यानी 375 रुपए भारतीय देना पड़ेगा एवं मालवाहक वाहनों को 1700 रुपए शुल्क देना होगा। नेपाल सरकार ने शुल्क बढ़ाने का यह प्रस्ताव अपने बजट में किया है। इसे नेपाल से जुड़ी सभी सीमाओं पर लागू कर दिया गया है। अब भारत के लोगों को अपनी गाड़ी नेपाल ले जाने के लिए नए शुल्क देने पड़ेंगे, साथ ही अपने वाहन के सभी ओरिजिनल दस्तावेज भी भंसार कार्यालय पर दिखाकर रसीद कटाया जाएगा, जिसे लेकर नेपाल जाना पड़ेगा। यही रसीद उनका एंट्री पास होगा। आपको बता दें, भारत नेपाल के बीच सदियों से बेटी रोटी का संबंध रहा है। सीमावर्ती इलाकों में दोनों तरफ से सैकड़ों की संख्या में शादी विवाह इस पार से उस पार हुई है। खुली सीमा क्षेत्र और मिलता जुलता रहन सहन, खान पान और सामाजिक परिवेश, संस्कृति इसका मुख्य आधार रहा है। बावजूद हाल के कुछ दशकों में नेपाल सरकार नए नए नियम बनाकर भारत नेपाल के बेटी रोटी वाले संबंधों पर कुठाराघात करते आ रहे हैं। इसके विपरीत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नेपाली नंबरों के वाहनों को भारतीय क्षेत्र के नजदीक रेलवे स्टेशन तक प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। नेपाली वाहन चालकों को भारतीय कस्टम विभाग फ्री पास देता है। जयनगर से संतू नायक की रिपोर्ट।